मिनिमम 2 इंच तो बिछाने ही वाले हैं, क्योंकि हमारा अभी अभी नया फार्म है, थोड़ा बहुत फ्लोर में सीलिंग सीलन भी होगी, मॉइस्चर भी होगा। मैं देख यहाँ मुझे छोड़ के, पर मैं तो जा रही हूँ छोड़ के छोड़ के। गाइस इंदौर को फाक लग गया और बट मैं अभी तक स्टेबल खड़ा हूँ। हो जाएगा अगर तुम नहीं करोगे तो हो जाएगा। तो थैंक यू, मैं तो यही चाहता था। अगर कंपनी वालों ने बोल दिया बिछाओ करके तो फिर बिछाना पड़ेगा। फिर कुलियार तुला दे बाकी ले लूं। तो गाइस सुबह सुबह का वक्त है, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हमारा लकड़ी का बुरादा आ चुका है, जो कि हम ब्रूडिंग के लिए यूज करेंगे, ब्रूडिंग और चिक्स के बिछावन के लिए यूज करेंगे। तो एक गाड़ी फुल आ रखी है, देखते हैं अगर कम होगा तो बाद में फिर और मंगाएंगे, क्योंकि जो बेस होना चाहिए चिक्स के लिए, बर्ड के लिए जो बेस होना चाहिए तो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए देखते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, हम लोग भी एकदम चकाचक हैं। सो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मिंग एंड ब्लॉगिंग में। सो गाइस आज सुबह सुबह की शुरुआत हो रही है बहुत ही अच्छे वेदर के साथ साथ, और देखिए ये पहाड़ जैसा, क्या ये देखिए गाइस, ये पहाड़ नहीं है, ये है लकड़ी का बुरादा। ये अर्ली मॉर्निंग आ गया था, तो गाइस आज का हमारा काम है ये बुरादे को पूरा अंदर डाल देना, पूरे फार्म के अंदर हमने ये बुरादा डाल देना है। तो गाइस ये बुरादा कॉस्टली भी बहुत है, अगर धान के भूसे से इसका कंपैरिजन किया जाए तो धान का भूसा बहुत सस्ता बैठता है, उसका रेट भी कम है, और दूसरी बात वो इसका वजन भारी होता है, उसका वजन हल्का होता है, तो धान का भूसा ऑब्वियसली सस्ता है। बट एक नेगेटिव साइड धान के भूसे की है कि जब हम उसे सेल करने जाते हैं, जब खाद हमारी तैयार हो जाती है, जब हम उसे सेल करने जाते हैं, तो उस टाइम धान के भूसा बिकने में यहाँ पर हमारी जो लोकेशन है यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, इसलिए हम लकड़ी का बुरादा का यूज कर रहे हैं। और इसी फार्म के लिए लकड़ी का बुरादा अच्छा तो है ही है, क्योंकि इसमें पानी का लीकेज नहीं होता है, तो इसी फार्म के लिए बेस्ट है, बट कॉस्टली भी है और सेल भी अच्छे से हो जाता है, रीसेल वैल्यू भी अच्छी है, बट महंगा भी है। देखते जब हम सेल करेंगे इसको, जितने में हमने ख़रीदा था उतनी वैल्यू भी मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, ये तो हमें सेल करने पे ही पता चलेगा, जब हमारा लॉट खाली होगा उसी टाइम पता चलेगा। हाँ जी सर, मेरा काम पसंद आ रहा है आपको? नहीं आ रहा, पसंद आ रहा है? क्या चल रहा है फिर आज? क्या चल रहा है? लकड़ी का बुरादा चल रहा है। लकड़ी का बुरादा चल रहा है? हाँ। लकड़ी का बुरादा फार्म में डाल रहे हो ना? हाँ। ये चल रहा है फार्म में डाल रहे हैं। ये कहाँ चल रहा है? तो यहीं पे है, तुमको चलाना पड़ रहा है इसको। तो गाइज हम इसको मिनिमम 2 इंच तो बिछाने ही वाले हैं, क्योंकि हमारा अभी अभी नया फार्म है, थोड़ा बहुत फ्लोर में सीलिंग सीलन भी होगी, मॉइस्चर भी होगा, तो हम अभी थोड़ा इस बार हम थोड़ा मोटी परत बिछाएंगे, जिससे कि बर्ड को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि थोड़ी बहुत हमारे फार्म में अभी भी मॉइस्चर है, क्योंकि नया नया फार्म है, अच्छे से सूखा नहीं है, तो अभी मॉइस्चर है हमारे फार्म में, इसलिए हम इस बार इस थोड़ी मोटी परत डालने वाले हैं। अगली बार से गर्मियाँ भी अच्छी खासी चालू हो जाएंगी, तो अगली बार से हमें इतनी मोटी परत डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और चीज़ गाइस, अगर आप लकड़ी का बुरादा अपने फार्म में बिछावन के रूप में यूज करते हैं, तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर पेपर डालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह है ही इतना सॉफ्ट, तो पेपर डालने की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी। धान की भूसी के ऊपर पेपर बिछाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि वो थोड़ा हार्ड सा रहता है और वो बच्चों के पैर में चुभता है, इसलिए पेपर डालना पड़ता है, एक दो दिन पेपर डालना पड़ता है, बट इसमें मेरे ख्याल से हमको पेपर की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ जी, इसके ऊपर पेपर की ज़रूरत पड़ेगी? ना है? ना पक्का? पक्का। अगर कंपनी वालों ने बोल दिया बिछाओ करके तो फिर बिछाना पड़ेगा। फिर कुलियार तुला दे बाकी ले लूं। फालतू में अपना पैसा क्यों खर्च करना, एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाती है, तो इसलिए हम पेपर नहीं बिछाने वाले इस बार, देखते हैं क्या होगा, मेरे ख्याल से इसमें ज़रूरत भी नहीं। तो हम अब दीपुली से जानेंगे गाइस, क्या आप हमें हेल्प करेंगे आज ये भूसे को सारा फार्म के अंदर डालने में? हाँ हाँ। करोगे हेल्प? हाँ ना। श्योर? बहुत सारा है, कब तक डालोगे तुम? तुम तो काम चोर हो, तुम कैसे हेल्प करोगे? करती तो हूँ। तो देखते हैं गाइस, दीपुली ने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको हेल्प करूँगी,
देखते हैं कितना हेल्प कर पाती है, ये तो काम करने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइस सच में ये कामचोर लड़की इतना काम करने लग गई, मैंने तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, बट चलो काम तो कर रही है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा मुझसे ज़्यादा ही काम कर लिया है अभी। तो कहने का मतलब यह है कि लड़कियाँ भी लड़कों से कम नहीं होती। देखिए इतना भूसा अकेले पूरा अंदर डाल दिया। फिर से ज़्यादा काम करते हैं। कौन? दीपा। अच्छा क्या? मेरे को गाँव कुछ है ना भाई, हैं वाला मैं कुछ नहीं करता काम, तो 10 मिनट बाद ब्रेक मार देते हैं। गाइस जिया जी का मतलब है कि मैं बिल्कुल भी काम नहीं करता, मेरे से ज़्यादा काम दीपली करती है। क्या सही में करती है? दोस्तों जोक साइड करके हम एक बात बोलते हैं कि हम में न कोई ज़्यादा काम करता है न कोई कम काम करता है, हम लोग बराबर एक टीम की तरह काम करते हैं। ना इसमें कोई ओनर है ना कोई इसमें लेबर है, हम लोग बराबर मिलके सब लोग मिलके काम करते हैं और बराबर काम करते हैं। तो जोक को साइड रखते हुए हम कभी कभी सीरियस भी बोल लेते हैं। गाइस काम के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। हम पोल्ट्री फार्मिंग के साथ साथ हम आप लोगों को थोड़ा इंटरटेन करने की भी कोशिश करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी वीडियो हिट जाए नहीं जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। गाइस हमारा यूट्यूब पे आने का एक मकसद ये भी है कि हमारी जो मेमोरीज हैं जो हम आज कर रहे हैं फ्यूचर में कभी बैठ के हम वो फ़ोन पर देख सकें, कभी अपनी मेमोरी को रिमेंबर कर सकें। यूट्यूब पर आने का ये हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है। जीजा जी को फाक लग गया, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा काम यही कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है? मेरे को भी लग गया। हाँ गाइस इन दोनों को फाक लग गया और बट मैं अभी तक स्टेबल खड़ा हुआ हूँ, काफी फास्ट काम कर रहा हूँ। मेरे खुट में झनहानी है रे, बच के रहना। तो जिया जी से जानेंगे कि आज ये ढेर खत्म करके अंदर डाल देंगे। जिया जी आज हो जाएगा ढेर खत्म हो जाएगा आज? हाँ हाँ। अंदर पूरा बिछ जाएगा? बिछेगा नहीं। हाँ अंदर डल जाएगा। डल जाएगा? बिछेगा क्यों नहीं? फिर बिछाएंगे बाद में। क्यों आज ही नहीं हो सकता है? ना। अच्छा ऐसा क्यों? आज तुम हिम्मत हार गए क्या? बात हिम्मत कहाँ हार गया, काम भी तो हो रहा है। इससे जानेंगे आज ये काम खत्म हो जाएगा। हाँ हो जाएगा अगर तुम नहीं करोगे तो हो जाएगा। तो थैंक यू, मैं तो यही चाहता था। तो मेरे बिना हाथ लगाए हो जाएगा ना? अगर तुम करोगे तो नहीं होगा। तो अगर मेरे बिना हाथ लगाए हो जाएगा ना? थैंक गॉड, मैं तो यही चाहता था। तो गाइस देखिए हमने लगभग आधे से ज़्यादा भूसा अंदर डाल दिया और आधा अभी भी बचा है। तो जिया जी भी थोड़ा थक गए हैं। थोड़ा सस्ता रहे हो? थोड़ा सस्ताने का मतलब होता है गाइस थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। देखिए गाइस इतना हमने अंदर यहाँ पे गिरा दिया। ये देखो दीपली बिल्कुल लगी हुई है ताबड़तोड़ काम में। और देखिए उस साइड भी मेरे ख्याल से आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये देखिए वहाँ भी हमने गिरा दिया। ऐसा हम तीनों गेटों के रास्ते अंदर डाल देंगे, उसके बाद धीरे धीरे बिछाते हुए चले जाएंगे। हमारे जो पोल्ट्री फार्मर किसान भाई हैं तो उन लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे, धान का भूसी अच्छी है या लकड़ी का बुरादा अच्छा है? धान की भूसी अच्छी है। बट धान की भूसी अगर पोल्ट्री फार्मर डाले होती सस्ती है, ज़रूर सस्ती होती है, बट वो बिके नहीं तो उस टाइम किसान क्या करेगा? उस टाइम तो फाइनली क्या अच्छी है? लकड़ी की। तो अभी तो आपने बोला धान की भूसी अच्छी है। ना वो सस्ता है का।
सस्ता अच्छा नहीं होता हमेशा। बताइए क्या करे, किसान कंफ्यूज है आजकल, किसान कंफ्यूज है, लकड़ी का बुरादा डाले या धान की भूसी डाले? लकड़ी का बुरादा ही डालो, बट महंगा है लकड़ी का बुरादा, तो फिर क्या करे किसान? तो बिक जाएगा, है बिक तो जाएगा, बिक तो जाएगा, बट जिस रेट में खरीदा उस रेट मिला नहीं, तो वो मिला नहीं तो उसे वो भी तो नुकसान ही है कि नहीं है? मेरे ख्याल से लोअर का फैशन ही ऐसा है, आप पता नहीं, ये देखिएगा, पता नहीं, ये देखिए गाइस, ये नया फैशन वाली लोअर आई है, देखिए पीछे को बढ़िया से पॉकेट है इसमें, ये देखिए मजा आ रहा, बहुत बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। अब मैं जा रही हूँ, मुझे छोड़ के? हाँ। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, पर मैं तो जा रही हूँ छोड़ के, छोड़ के। तो गाइस बहुत ज़्यादा हैवी काम करने के बाद हम लोग चाय पी रहे हैं, दीपली हमारे लिए चाय बना के लाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चाय पिलाने के लिए। मैंने जानी नौकरी माँ, मैंने जानी नौकरी माँ, दिल्ली भते दूर, दिल्ली भते दूर, चाह को होटल खोलू ला इतनी टनकपुर। तो दोस्तों 75% भूसा हम लोगों ने अंदर डाल दिया और रहा 25%, तो 25% कब तक होगा पता नहीं, कितने बज गए, मेरे ख्याल से डेढ़ बज गए गाइस, और सुबह के 5:30 बजे से लगे पड़े, तो दिन के 1:30 बज गए सुबह के 5:30 से, तो अभी जो 25% बचा है देखते हैं कब तक जो होता है ख़त्म। तो गाइस ये देखें, हमने दिन भर की मेहनत के बाद थोड़ा सा बचा है, और जिया जी बोल रहे हैं कि ये 20 कट्टा है, इस कट्टे से 20 कट्टा माल होगा, मैं बोल रहा हूँ कि 10 कट्टा होगा, देखते हैं कौन जीतता है शर्त में, जीजा जी और मेरी शर्त लगी है 1000-1000 की। तुमने क्या बोला है, कितने कट्टे की? 20 कट्टे होंगे, और मैं बोल रहा हूँ कि 10 कट्टे होंगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि 10 से 12 के बीच में होंगे, लेकिन 20 नहीं होंगे, ये हमारी शर्त है, तो देखते हैं कौन विन होता है। बहाने मत लगाओ, जितना मैं ये तो अपने हाथ से कंधे में डालूंगा उतने में। तो गाइस फाइनली हमने सारा भूसा अंदर रख लिया है, और जो हम मेरी और जिया जी की जो शर्त थी, तो हम दोनों हार गए। तो जिया जी कितना बोला था आपने? 20 बोला था, मैंने बोला था 10, तो गाइज उसमें निकले 15 कट्टे, तो 15 बोला था दीपुली ने, दीपुली जीत गई लास्ट में। तो फाइनली गाइज आज हमारा पूरा दिन, हमारा जो भूसा आया था भूसे को अंदर लगाने में रख गया, एक्चुअली हमने थोड़ा बहुत मिस्टेक की थी, हमारी रोड सही नहीं थी, अगर हमारे तीनों गेटों में थोड़ा थोड़ा करके उतारते तो हमें ईजी होता, मेरे ख्याल से आधे दिन में ख़त्म हो जाता, बट पहली बार यहाँ को गाड़ी आई तो थोड़ा बहुत लोड होने की वजह से गाड़ी नहीं आ पाई, गाड़ी का टायर धस रहा था, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो पाई, अदरवाइज ये काम आधे दिन में हो जाता, और पहला टाइम है इसलिए भी हमें थोड़ा नॉलेज कम है, तो इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, और हमारा आज का पूरा दिन लग गया, सुबह 5:30 बजे से अभी 6:30 बज गए, ऑलमोस्ट 13 आवर, तो बीच में ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत रेस्ट भी गया, खाना पीना भी खाया, तो ऑलमोस्ट पूरा दिन लग गया आज। तो गाइज पोल्ट्री फार्मिंग इतना ईजी भी नहीं है, चाहे कितना भी फार्म को ऑटोमेटिक बना लो फिर भी काम होता ही है, थोड़ा बहुत काम होता ही है, तो फाइनली जो भी है, लेकिन फाइनली सुखद अनुभव हो रहा है, क्योंकि मेहनत करने के बाद अच्छा ही होता है, और थोड़ा बहुत अपने लिए भी सही है, मेहनत तो करना ही है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग भी हम यहीं पे एंड करने वाले हैं, शाम हो चुकी है, और अगर गाइज हमारी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मिंग एंड ब्लॉगिंग, बाय बाय।